हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो आज हम बात करने वाले हैं कि नोट्स कैसे बनाएं पेपर टू के। तो यहाँ बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, लोग फ्रस्ट्रेट हैं, डिप्रेशन में हैं, समझ में नहीं आ रहा, पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है और थोड़ा गिल्ट भी काफ़ी लोगों को हो रहा है जब टाइम निकल जाता है और लगता है अरे यार पढ़ाई नहीं की। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये सिंप्लीफाई करके बताने वाला हूँ कि आखिर हम पढ़ाई करने का तरीका क्या है और नोट्स बनाने का सही तरीका क्या है। तो पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम नोट्स बनाते हैं, तो उसमें मैंने बताया था कि आपको पुराने ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनको देखना होता है, उसमें क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन आपको कवर करते जाना है, तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके से टॉपिक्स पूछे जाते हैं और उस हिसाब से आपकी पढ़ाई प्रॉपरली हो पाएगी। तो ये इस वीडियो का लिंक मैं ऊपर दे रहा हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको पहले देख लें। लेकिन इस वीडियो के बाद मुझे काफ़ी सारे क्वेरीज आई, काफ़ी सारे आप लोगों के रिप्लाई आए कि इतने सारे क्वेश्चंस हैं उसमें कुछ भी हमें आता नहीं है और जितना हम देख रहे हैं उतना कंफ्यूज होते चले जा रहे हैं और डिप्रेशन अलग से हो रहा है क्योंकि पेपर आने वाले हैं और तैयारी नहीं हो पा रही है और कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि नोट्स कैसे बनाएं। तो गाइज, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कितने टाइप के टॉपिक्स होते हैं जो भी हम पढ़ाई करते हैं किसी भी सब्जेक्ट में और किस तरीके से उनको पढ़ना है और अपने नोट्स में इंक्लूड करना है। सो नोट्स बनाने के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसका यूज़ मैं करता हूँ। अगर आप कंप्यूटर पर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप कॉपी पेन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो नोट्स कैसे बनाते हैं इसको समझने के लिए हम समझते हैं हमारे पास टॉपिक्स किस किस टाइप के होते हैं। तो तीन टाइप के टॉपिक्स होते हैं हमारे पास, कुछ भी हम पढ़ते हैं तो उसमें तीन टाइप के टॉपिक्स होते हैं जिसको मैंने नाम दिया है। सबसे पहला हमारा टॉपिक होता है ओल्ड फ्रेंड टॉपिक। तो ओल्ड फ्रेंड टॉपिक मतलब जैसा नाम से ही हमें लग रहा है कि ओल्ड फ्रेंड मतलब जो पुराना दोस्त। तो पुराना दोस्त कैसा होता है, जिसके बारे में हम सब जानते हैं, जो बहुत सालों से हमारा दोस्त है, उसकी हम रग रग से वाकिफ होते हैं, राइट। तो ऐसे ही होते हैं ओल्ड फ्रेंड टॉपिक्स, जिसके बारे में हमें सब मालूम होता है। तो अगर किसी ने पढ़ाई नहीं भी की हो लेकिन फिर भी क्योंकि इतने साल ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में उसने वो पढ़ा है तो नेट के पेपर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे ज़रूर होते हैं जो उसको बिल्कुल आते हैं, वो बहुत बेसिक और बहुत ईजी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं ये ओल्ड फ्रेंड्स टॉपिक होते हैं। तो ओल्ड फ्रेंड्स का जैसे पता है, ओल्ड फ्रेंड्स हमारा कॉन्फिडेंस होते हैं। अगर हम कहीं जाएँ और सब हमारे पुराने दोस्त वहाँ पर हों तो हम उस जगह पर बहुत कॉन्फिडेंटली रहते हैं। उसी तरीके से जो लोग पढ़ के यूजीसी नेट का पेपर देते हैं और उनको सारी की सारी चीज़ें आती हैं तो उनको वो वही कॉन्फिडेंस आता है जो ओल्ड फ्रेंड्स के बीच में कॉन्फिडेंस आता है। ओके, दूसरे नंबर के टॉपिक्स हैं न्यू फ्रेंड्स टॉपिक्स। तो न्यू फ्रेंड्स टॉपिक्स इसका मतलब जैसे हमारे जो नए दोस्त बनते हैं तो हम उनके बारे में जानना स्टार्ट करते हैं, उनको पहचानना स्टार्ट करते हैं, उनको पसंद करना स्टार्ट करते हैं, इसीलिए हमारी उनसे दोस्ती होती है। और यहाँ पे क्या होता है, जैसे पुराने दोस्तों में कॉन्फिडेंस होता है, नए दोस्तों में क्यूरियोसिटी होती है, राइट। कि जब भी हम कहीं गए, अगर सपोज हम कहीं इंटरव्यू में गए, वहाँ हमारी वहाँ कुछ दो तीन लोगों से बात हुई और वो काफ़ी अच्छे नेचर था, सेम इंटरेस्ट था, सेम पढ़ाई की फील्ड थी और हम व्हाट्सएप से या फेसबुक से कनेक्ट हो गए और आपस में एक दूसरे से बात करने लगे, तो वहां पे क्या होता है, इंटरेस्ट आता है, क्यूरियोसिटी होती है, राइट। इसी तरीके से हमारे टॉपिक्स भी कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो हम कुछ नया सीखते हैं। कभी सपोज हम आज पढ़ने बैठे और कुछ हमने ऐसे सीखा जो हमें शायद पहले नहीं आता था, राइट। तो जो हम नई नई चीज़ें सीखते हैं उसमें हमें थोड़ा मज़ा भी आता है कि यार आज कुछ सीखा। तो ऐसे जो टॉपिक्स हैं वो हमारे न्यू फ्रेंड्स टॉपिक्स होते हैं। तो न्यू फ्रेंड टॉपिक्स जो होते हैं उनके बारे में हमें सब कुछ नहीं पता होता, बहुत ईजिली हम उसे नहीं पढ़ सकते, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ हमें उसमें मज़ा आता है पढ़ने में और कुछ ना कुछ नई चीज़ आज हमने सीखी होती है। ओके, जो तीसरे टाइप के टॉपिक्स हैं वो हैं स्ट्रेंजर्स टॉपिक्स। तो हमें डिप्रेशन क्यों होता है, हमें फ्रस्ट्रेशन क्यों होता है, उसका रीज़न ये है कि हमारे कोर्स में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स जो हैं वो स्ट्रेंजर्स टॉपिक्स हैं। तो स्ट्रेंजर्स का क्या मतलब है कि जिस तरीके से स्ट्रेंजर्स के बारे में हम कुछ नहीं जानते कि वो क्या है क्या नहीं है, उसी तरीके से जो टॉपिक्स हमारे पास है जिनमें हमें हवाई नहीं लगती कि यार ये लिखा क्या है, ये डेफिनेशन क्या लिखी है, समझ में ही नहीं आ रहा है, या नेट के पेपर में अगर स्ट्रेंजर टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे तो आपको हवाई नहीं लगेगी कि यार ये किस कोर्स से आया है, किस चैप्टर से आया है, सिलेबस में था भी या नहीं था। तो ये होते हैं स्ट्रेंजर्स टॉपिक। तो जो भी फ्रस्ट्रेशन है, जो भी डिप्रेशन है, समझ में नहीं आ रहा पढ़ाई कैसे होगी, उसका कारण यही टॉपिक्स हैं स्ट्रेंजर्स टॉपिक्स, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि ये क्या है, इनको पढ़ के समझ में ही नहीं आ रहा है। ओके, तो मैंने आपको बताया कि तीन टाइप के टॉपिक्स होते हैं, ओल्ड फ्रेंड टॉपिक्स जिससे हमें कॉन्फिडेंस मिलता है क्योंकि हमें वो ओल्ड फ्रेंड्स हैं हमारे, हमें सब पता है, न्यू फ्रेंड्स जिसमें क्यूरियोसिटी होती है, इंटरेस्ट होता है, स्ट्रेंजर्स टॉपिक्स जिससे हम थोड़ा सा डर जाते हैं, थोड़ा सहम जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस देख के। तो अगर बात करें, अगर हम किसी नई जगह पर जाते हैं, सब स्ट्रेंजर्स हैं, तो हमारे अंदर से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन हो सकता है कि यार सब स्ट्रेंजर्स हैं और यार समझ में
नहीं आ रहा, क्या है, कैसे हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम कहीं ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे हमारे कुछ नए फ्रेंड्स बन जाएं तो वहाँ पे थोड़ा मज़ा आने लगता है, क्योंकि हम एक दूसरे के बारे में जानते हैं। और अगर हम किसी ऐसी जगह जाएं जहाँ पे सारे के सारे ओल्ड फ्रेंड्स हैं तो वहाँ कॉन्फिडेंस आ जाता है, ऐसा लगता है जैसे अपना ही राज है, सब अपने ही लोग हैं, राइट। तो वही एग्ज़ाम में भी होता है, जो लोग पढ़ाई करके जाते हैं उनके ओल्ड फ्रेंड्स टॉपिक ज़्यादा हैं तो उनको कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है, और जो लोग पढ़ाई नहीं करके जाते हैं उनके स्ट्रेंजर्स टॉपिक ज़्यादा होते हैं। तो एक एक क्वेश्चन के बाद डर बढ़ने लगता है कि यार ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। ओके, अब बारी आती है ये बताने की कि हमें क्या करना है इन टॉपिक्स के साथ और पढ़ाई कैसे करनी है। तो जो भी हम नोट्स बनाते हैं, जो भी हम पढ़ाई करते हैं, उसका केवल एक ही टारगेट होता है। वो टारगेट ये होता है कि जो भी स्ट्रेंजर टॉपिक्स हैं उनको न्यू फ्रेंड टॉपिक्स बनाया जाए, और जो भी न्यू फ्रेंड्स टॉपिक्स हैं उनको ओल्ड फ्रेंड टॉपिक्स बनाया जाए। कैसे बनाया जाए ये समझ लेते हैं। तो जैसे एज अ सोशल पर्सन, एक सामाजिक प्राणी की तरह हमारा ये कर्तव्य होता है, हमें बहुत अच्छा समझा जाएगा अगर जो स्ट्रेंजर्स हैं उनके साथ हम जल्दी दोस्ती कर लेते हैं, उन्हें न्यू फ्रेंड बना लेते हैं, और जो हमारे न्यू फ्रेंड्स हैं जिनसे हमारी अभी बोलचाल स्टार्ट हुई है उन्हें जल्द से ही कुछ ही समय में हम ओल्ड फ्रेंड बना लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा एम होता है कि जो स्ट्रेंजर्स हैं, जो अजनबी लोग हैं, वो किस तरीके से हमारे बहुत अच्छे दोस्त बन जाएं। तो जितना सोशल आदमी उतनी ज़्यादा उसके पास ये स्किल्स होती हैं कि वो स्ट्रेंजर्स को भी फ्रेंड्स बना लेता है, ठीक है। उसी तरीके से एक विद्यार्थी की ये स्किल होनी चाहिए कि जितने भी स्ट्रेंजर टॉपिक्स हैं, जितने भी अजनबी टॉपिक्स हैं, उन्हें किस तरीके से वो अपना दोस्त बना दे, वो अपने फैमिलियर टॉपिक्स में उनको कन्वर्ट कर दे। और यहीं पे नोट्स का यूज़ होता है गाइस। तो नोट्स का यूज़ किस लिए होता है? नोट्स का यूज़ होता है जो आपके न्यू फ्रेंड्स बने हैं, जो नए नए टॉपिक्स आपने अभी जाने हैं, उनको आप पुराना टॉपिक्स कैसे बनाएं उसके लिए नोट्स का यूज़ होता है। तो हमेशा याद रखिए, अपने नोट्स में आप फालतू चीज़ें बिल्कुल मत रखिए, एकदम छोटा सा नोट्स बनाइए। नोट्स में ऐसे टॉपिक्स बिल्कुल मत डालिए जो आपको अभी बिल्कुल नहीं आते, जिनको सीखने का अभी आपका लेवल नहीं है। ऐसे टॉपिक्स डालिए जिनको आपने नया नया जाना है, कोई भी चीज़ नहीं पता चले आप अपने नोट्स में डालें। उससे क्या फ़ायदा होगा? जब आप अपने नोट्स को रेफर करेंगे, उन्हें देखेंगे, उन्हें समझेंगे, लिखने में जो टाइम लगेगा, जो माइंड लगेगा, उससे धीरे धीरे ये जो आपके न्यू फ्रेंड्स टॉपिक्स हैं ये ओल्ड फ्रेंड टॉपिक्स बन जाएंगे। इसका मतलब आपकी कमांड आ जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे यही बात आती है उन बच्चों के लिए जिनको बोरिंग लगती है पढ़ाई, और उन बच्चों के लिए जिनको इंटरेस्टिंग लगती है पढ़ाई। उसका रीज़न केवल इतना है, जिनको पढ़ाई बोरिंग लग रही है वो बोर्डम नहीं है, वो अंदर का डर है, वो मन का डर है। वो मन का डर क्यों आ रहा है? क्योंकि सब स्ट्रेंजर्स हैं, जितने अजनबी लोग होंगे उतना ज़्यादा बोर्डम भी होगा, बोरिंग भी लगेगा और थोड़ा सा डर भी लगेगा, ठीक है। और जिनको मज़ा आ रहा है उनका क्या रीज़न है? उनके सब फ्रेंड्स हैं, जितने भी टॉपिक्स वो पढ़ रहे हैं सब फ्रेंड्स हैं, राइट। तो जब खूब सारे फ्रेंड्स हैं, खूब सारे के सारे टॉपिक आते हैं, उसमें अगर एक दो स्ट्रेंजर टॉपिक आ जाएंगे तो उनको तुरंत हम फ्रेंड बना लेंगे, तुरंत हम उनको पढ़ लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? जब बहुत सारे स्ट्रेंजर्स हैं तो उनसे दोस्ती कैसे करें, उनसे फ्रेंडशिप कैसे करें? तो यहाँ पे नोट्स आप इसीलिए बनाएंगे क्योंकि आपको नई चीज़ें जाननी है और उनको लिख लिख के आपको पुराना फ्रेंड बनाना है। और मैं आपको गाइज एक चीज़ बताऊं कि जो जितना भी आपको स्ट्रेंजर्स टॉपिक्स दिख रहे हैं, जितना भी आपको डर लग रहा है, आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, गाइज एक बार आप पढ़ाई में उतरिए, हो सकता है ये बहुत बड़ा समंदर हो लेकिन इस समंदर की भी लिमिट है। और मैं आपको बता रहा हूँ गाइज, मैंने खुद ये चीज़ की है कि जब देखिए मैं आपको अपनी बात बताऊँ तो मैंने ग्रेजुएशन में कॉमर्स किया है और लिंग्विस्टिक्स से मेरा कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं था। तो मैंने जब एमए का एंट्रेंस दिया था तो उसमें भी मेरी 5th रैंक आई थी ऑल ओवर इंडिया बीएचयू में, राइट। और जब मैंने नेट का पेपर दिया तब भी मेरी केवल 2 साल की ही मेहनत थी। तो काफ़ी लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि तुम थोड़ा और मेहनत करो और अच्छे और कुछ टाइम बाद पेपर दो। क्यों? क्योंकि मेरी अभी कमांड नहीं है, क्योंकि मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड था ग्रेजुएशन में और अब मैं मास्टर्स करने जा रहा हूँ। लेकिन मुझे पता था कि पढ़ाई किस तरीके से करनी है, ये कॉन्सेप्ट्स क्या हैं और किस तरीके से हम इनको ओवरकम करते हैं। तो नॉर्मली लोगों को ये सब चीज़ें नहीं पता होती हैं, मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे कि मुझे क्या कब और कैसे करना है। तो मैंने स्ट्रेंजर्स टॉपिक्स लिए, उनसे मैं डरा नहीं, उनसे मैंने बात की। बात करने का मतलब है उन्हें मैंने पढ़ा, उनके बारे में और जाना, नेट पे सर्च किया, बुक्स थोड़ी बहुत पढ़ी, राइट। तो उससे क्या फ़ायदा हुआ कि उससे ये सारे के सारे मेरे फैमिलियर टॉपिक्स हो गए। और गाइस कुछ समय की मेहनत है, मैं कहूँगा कुछ महीनों की मेहनत है, कुछ महीनों की मेहनत में ये सारे के सारे, मतलब कोई भी टॉपिक कहीं पर भी जाएंगे आप, कोई भी टॉपिक सुनेंगे आपको पता होगा कि यह एटलीस्ट होता क्या है। बस इतनी ही कमांड आपको चाहिए और इतनी कमांड आपके पास आ गई तो नेट का पेपर तुरंत निकल जाएगा। बस इतना ही मेरा कहना था कि डरे नहीं, जो भी स्ट्रेंजर टॉपिक्स हैं उनको समझें कि हाँ भाई मुझे नहीं आता है, मुझे लिख के इसको समझना चाहिए। बिल्कुल डर मत खा जाएं, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि ये जो जितने टॉपिक्स आपको डरा रहे हैं और आपको नहीं पता है कैसे होते हैं, ये सब आपको आते होंगे। बस
आपको पहल करनी है, आपको अपना डर छोड़ना है, डर के दायरे से निकलना है, राइट। तो डर के आगे जीत है, आपको आगे बढ़ना है और उनको ओवरकम करना है। धीरे धीरे सारे टॉपिक्स आपके फैमिलियर हो जाएंगे, आपको बिल्कुल फ्लुएंट हो जाएंगे, आपकी कोई भी टॉपिक मतलब इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि किसी भी कॉन्फ्रेंस में जाके आप किसी भी टॉपिक पे बोल सकते हैं, ठीक है। तो उससे पहले ओवरकम करें, इसे डरे बिल्कुल मत। सो गाइज, आई होप कि मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव थी तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इसी तरीके से पढ़ाई की टिप्स रिलेटेड बातें जानने के लिए। सो मेरी बातों को आप सबने इतना ध्यान से सुना, उसके लिए थैंक यू।